हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गज में देश के कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो बहुत ही बड़े और नामचीन हैं, और यही लोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। पर क्यों? इनकी कमजोरी के कारण। इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है, पुरानी आज। मगर इन लोगों में से किसी ने हमारे साथ धोखा किया या गद्दारी की तो तो हमारे वो साथी किस दिन काम आएंगे जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। आप सब यही रुकिए। क्या क्या लगता है आपको? मतलब हम तो बहुत निकल गए, लेकिन क्या कुछ होना नहीं चाहिए सर उसे? मिस्टर अभिजीत, प्लीज हैव पेशेंस। कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। पहले भी इसे कई झटके खा चुका है वो। पिछले हफ्ते गोली लगी थी और अब इस बार बॉम्ब ब्लास्ट। समझ नहीं आता इसका और हॉस्पिटल का नाता कब टूटेगा। वैसे अभिजीत, ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं सर, अचानक एक धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने उसकी कार की धज्जियां उड़ गई। सर, मुझे लगता है इस ब्लास्ट का संबंध उस औरत की मौत से है जिसे हमने डीसीपी चित्रोले के ऑफिस के बाहर देखा था। चित्रोले साहब के साथ मीटिंग के बाद दिमाग घूम जाता है। हाँ सर, काम की बात में भी ऐसे ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तीफा लिख के उनके मुंह पे मार दो। ये बात तो है। खैर जो भी हो, उनके ऑफिस की चाय बड़ी अच्छी है। अच्छा, हमारे ऑफिस की भी अच्छी है। वो बात नहीं है सर, आप लोग लिफ्ट से आइए, मैं गाड़ी लेकर आता नीचे। ठीक है। क्या हो?
क्या 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 हुआ क्या इनको? नहीं, कौन है? इसके तो सांस बंद होने लगी है, कहीं से अस्थमा का अटैक तो नहीं? हॉस्पिटल गाड़ी लेके जल्दी। घबराओ मत। लड़की बेचारी ठीक हो जाएगी तो अच्छा है, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं जिसके जरिए हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। अरे डॉक्टर साहब, कैसी है लड़की? आपने उन्हें लाने में देर कर दी। क्या? हमने तो पूरी कोशिश की थी, मगर ऐसे पेशेंट को अपने पास कोई दवाई वगैरह रखनी चाहिए। हाँ, ना तो हमें कोई दवाई मिली और ना ही उनके पास वो अस्थमा पंप था। नहीं, अस्थमा नहीं था उसे, दरअसल उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। तो फिर उसे इंटरनल पॉइजनिंग हुआ था, उसकी बॉडी में जहरीला केमिकल मिला था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इंटरनल पॉइजनिंग, जहरीला केमिकल, कहीं खून का मामला तो नहीं? इस हालत की जिम्मेदार वही लड़की है सर। पर सर, वो लड़की तो मर चुकी है, फिर तया सर की हालत की जिम्मेदार वो कैसे? माय गॉड, बॉस, इस लड़की के पेट में तो बम है। क्या? लड़की के पेट में बॉम्ब है? मतलब ये ह्यूमन बॉम्ब है, मानव बॉम्ब? तो सर, ये तो डेटोनेटर वाला बॉम्ब है। इस लड़की के शरीर पे इस बॉम्ब का डेटोनेटर मिला? नहीं दया, इसके शरीर में कहीं भी डेटोनेटर नहीं है। डेटोनेटर के बिना बॉम्ब फटेगा तो नहीं ना? फटेगा सचिन, फटेगा, क्योंकि इस बॉम्ब का केमिकल लीक हो चुका है, उसी की वजह से इसके पेट में जहर फैला, इस लड़की की मौत हो गई। अब ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। देखो डॉक्टर साहब, प्लीज, पहले से शक था कि शायद ऐसे कुछ होने वाला है। रजत सर, रजत संभाल के। सर, कौन सी तार काटू? एक मिनट, ये लाल वाला काटो, संभाल के। ओह नो सर, वायर काटने के बाद भी बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ। माय गॉड, निखिल जल्दी से बॉक्स लेकर आओ, बॉम्ब प्रूफ बॉक्स। सर संभाल के। सही वक्त पर इस मुसीबत से हम बच गए। अब समझ में आ रहा सर, कोई भी इस लड़की को पहचानने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा था। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है सर, एक मानव बॉम्ब थी। इसका ना जाने क्या मिशन था। दया, जिसने भी ये मानव बॉम्ब बनाया उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है, हमने नाकाम कर दिया उसे उसके मिशन में। लेकिन ये फिर से बॉम्ब बनवाएगा, दूसरा बॉम्ब बनवाएगा। सर, ये मिशन है कौन इसका? तभी पता चलेगा जब हमें यह पता चलेगा कि ये लड़की कौन थी। हाँ सचिन, बताओ। अच्छा, लेकिन ठीक से पता किया तुमने? उस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई गई। मानव बॉम्ब थी वो। देखो सचिन, ऐसे कोई सामने आएगा नहीं। उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, न्यूज चैनल सब जगह भिजवा दो, कोई तो पहचानेगा। नहीं, तुम ये करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। क्या भाई, आइस टी पीनी थी क्या? हाँ, गरम चाय को बर्फ जैसा ठंडा कर रहे हो यार, पहले बता देते। कुछ सोच रहा था। हाँ? क्या क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना चाहती थी? क्या क्या कहना चाहती थी? पता नहीं यार, वो बार बार अपने बैग की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि
शायद बैग में उसकी दवाइयां होंगी। यार लेकिन वो बीमार कहां थी? उसकी मौत तो बॉम्ब के जहर से हुई है ना? वही तो, अगर उसके बैग में उसकी दवाइयां नहीं थी तो फिर वो बार बार बैग की तरफ इशारा क्यों कर रही थी? हो सकता है बैग में उसके गैंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। वो बैग है ना तुम्हारे पास? हाँ, गाड़ी में, चलो लेके आते। तारिका जी है, ठीक है बात कर लो, मैं बैग लेके आता हूँ। हेलो, हाँ तारिका जी, खोलो दया, दया कुछ तो बोलो, अभिजीत, दया पे हमला उस बैग की वजह से ही हुआ है। हाँ सर, दया ने देख लिया होगा उस बैग के अंदर क्या है, मुजरिमों के लिए खतरा बन गया तो। जाने सर उस बैग में ऐसा क्या होगा जो उन लोगों ने दया से पर हमला कर दिया। दया की जली हुई गाड़ी का एक एक पुर्जा चेक करने को कहो सारुंगे को, कोई ना कोई बड़ा चक्कर है, कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है। डॉक्टर साहब कैसा है दया? अब चुप क्यों है डॉक्टर साहब, बताइए ना दया कैसा है? डॉक्टर साहब क्या हुआ दया सर को? वो ठीक तो जाएंगे ना? बोलिए सर। देखिए हमने उनकी जान तो बचा ली है लेकिन इस समय वो कोमा में है। और उन्हें कब होश आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। होश कब तक आएगा का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? हाँ क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट को एक दो दिन में भी होश आ जाता है और कभी कभी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर, डेंजर कोर्ट ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। दया एक फाइटर है, फाइटर, सीआईडी का जांबाज फाइटर, मौत के साथ कई बार जीत चुका है वो और इस बार भी जीतेगा, इस बार भी जीतेगा वो। हमारा अंदाजा सही निकला सर, दया की कार में जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था वो ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना था, काफी हल्का बॉम्ब था। क्या हुआ सर, कोई खास बात? हाँ हाँ, ये देखो, जानते हो तारिका ये क्या है? ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मगर मिला कहाँ से ये लकड़ी का टुकड़ा? लेदर बैग के इस जले हुए टुकड़े पर से, वो लेदर बैग जो उस लड़की के पास था। देखो सालों के, काफी पॉलिश्ड लगता है ये लकड़ी का टुकड़ा। हाँ बस, और ऐसी पॉलिश किसी अच्छी वार्निश से ही आ सकती है। वार्निश से? अच्छा, और बॉम्ब के बारे में और क्या पता चला? सब वो ठीक वैसा ही बॉम्ब था जैसे कि उस लड़की के शरीर में मिला था,
लो इंटेंसिटी का ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना। ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट, लगता है ये मुजरिम इस तरह के बॉम्ब्स बनाने में एक्सपर्ट है। सर एक बार वो मुजरिम हमारे हाथ लग जाए तो जो उसने दया सर के साथ किया है मैं उसका पूरा हिसाब लूंगा। सर दया को पता चल गया था कि उस लड़की के पर्स में क्या है, इसलिए वो लोग डर गए कि ये बात हमें भी पता चल जाएगी दया के जरिए, इसीलिए ये सब हुआ है। बस दया अब कैसा है? लड़ रहा है, दया लड़ रहा है सड़के, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जीत जाएगा दया, जीत जाएगा। डीसीपी सर के ऑफिस के लिए यही रास्ता जाता है, वो लड़की भी इसी तरफ से आई थी, चल के पूछते हैं शायद किसी ने देखा हो। भाई साहब आपने इस लड़की को यहाँ देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। भाई साहब आपने इस लड़की को कहीं देखा? भाई साहब गौर से देखिए, आपने इस लड़की को कहीं देखा? मगर ये तो जी उसकी मौत हो चुकी है। मगर कैसे, उसी तो भली चंगी थी। उस दिन किस दिन की बात कर रहे हैं? बुधवार की? हाँ साहब बुधवार की बात कर रहा हूँ। इनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था भूरे रंग का, काफी हड़बड़ी में थी, एक आदमी से टक्कर होते होते बची और उस पर बरस पड़ी। इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब बिल्कुल अकेली थी, लाजवाब रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। लाजवाब रेस्टोरेंट कहाँ पे है ये? वो साहब वो रहा लाजवाब रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल पहली बार देख रहा हूँ। हाँ सर आइए, कहाँ बैठना पसंद करेंगे सर आप? जिस काम के लिए हम आए हैं वो खड़े रहकर भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। सीआईडी। सीआईडी? जी इस फोटो को गौर से देखिए, बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब ये लड़की आपके रेस्टोरेंट में आई थी। हाँ सर आई तो थी, पर ये तो जी हाँ ये मर चुकी है। ओह माय गॉड, और आप लोग इसके खूनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे? खूनी तक पहुँचने के लिए कब कहाँ सुराग मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। अरे अनुराग। जी सर। जरा इधर आना सर, उस दिन टेबल नंबर 2 पे इसी की ड्यूटी थी सर। क्या हुआ सर? ये लोग सीआईडी से हैं और इनके सवालों का सही सही जवाब देना। इस लड़की की मौत हो गई। मौत? जी हाँ मौत। इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ साहब, ये लड़की बुधवार को यहाँ आई थी और काफी घबराई हुई थी सर। अकेली आई थी? हाँ साहब, पहले तो अकेली आई थी, बाद में एक आदमी इससे मिलने के लिए आया था। अच्छा, एक आदमी आया था मिलने इससे? हाँ साहब, सूट बूट टाई और हैट पहना हुआ था। दोनों ने आपस में क्या बात की, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, पर उस आदमी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की को डांट रहा हो। डांट रहा? हाँ साहब, और उस आदमी ने एक घड़ी भी दी मैडम को हाथ में पहनने वाली, और शायद वो समझा रहे थे कि घड़ी चलती कैसे। जरूर वो घड़ी ही उस बम का डेटोनेटर होगी। बम? किस बम की बात कर रहे हैं सर आप? कोई नहीं, उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? नहीं साहब, वो आदमी के नजदीक मैं जब भी जा रहा था वो हेड से अपना चेहरा छुपा ले रहा था। इस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही ना? नहीं सर। कमाल है, रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल है, सीसीटीवी कैमरा नहीं। अच्छा उन्होंने पेमेंट कैसे की थी, कार्ड से? कैश किया था सर। क्या कहा तुमने, टेबल नंबर 2 पे बैठे थे? हाँ सर, वहाँ है टेबल नंबर 2। शायद इस टेबल और इन कुर्सियों पर अभी भी उन लोगों की उंगलियों के निशान हो। एक काम करते हैं, ये फर्नीचर डॉक्टर साड़ुंगे के पास भिजवा देते हैं। सर इन कुर्सियों और इस टेबल पर सैकड़ों इंसानों की उंगलियों के निशान होंगे, फिर उस आदमी और उस लड़की की उंगलियों के निशान कौन से होंगे ये कैसे पता चलेगा सर? क्यों नहीं पता चलेगा निखिल, जरूर पता चलेगा। तो बॉम्ब बनाने वाला आतंकवादी है, उसके उंगलियों के निशान तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में होंगे, अभी पता चल जाएगा। सर हॉस्पिटल से वो घड़ी मिल गई है जिसे शायद बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। काफी महंगी घड़ी लगती है ये। सालुंखे आ जा, देख इस घड़ी को। बस रजत का अंदाजा एकदम सही है, दरअसल ये घड़ी ही डेटोनेटर है। ये देख रहे हो ये? हाँ, ये तो घड़ी का पुर्जा लगता नहीं, क्योंकि पूरी घड़ी स्टील की है और ये सिर्फ ये चाबी पीतल की।
और ये चाबी ही डेटोनेटर है। माय गॉड, सर पहले इस आदमी ने उस लड़की को मानव बॉम्ब बनाया, फिर दया सर पे हमला किया, अब न जाने ये अगला बॉम्ब कहां रखने वाला है। सचिन, अगला बॉम्ब प्लान करने से पहले ये तीतर हमारे पिंजरे में होना चाहिए। सर, हाँ सर, एक मैच मिला है उंगलियों के निशान का। कौन है? सर, नाम तो नहीं लिखा है और फोटो भी नहीं है, लेकिन बस ये पता चला है कि पिछले 2 सालों में ये 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है आदमी, देश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, पिछले 2 सालों में 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और अब 6ठा ब्लास्ट करने जा रहा है। अब ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने देंगे हम, किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी। अब ये घड़ी, ये डेटोनेटर ही हमें ले जाएगी उसके पास, उस आतंकवादी के पास। सर, वो घड़ी गगन नाम के एक आदमी की है जो विहार नगर में रहता है। विहार नगर? तो फिर चलो उसके घर। आप लोग हैं कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। गगन घर में है। ये लोग कौन है वहाँ? बेटा, ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो गगन, हमारे सवालों का हमें सही सही जवाब चाहिए, सही सही जवाब, समझे? क्या काम करते हो? वो ज्वाला रोड पे पाव भाजी का बाकला है साहब मेरा। कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? यही कोई 6-7 हजार रुपया महीना। 6-7 हजार रुपया महीना? सुन लिया माँ जी, आपका बेटा महीना 6-7 हजार रुपये कमाता है, मगर घड़ी खरीदता है 1.5 लाख रुपये की। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख की घड़ी है ना। किस घड़ी की बात कर रहे हैं आप लोग? इस घड़ी की, इस घड़ी की बात कर रहे हैं, समझे? क्यों गगन, कुछ याद आ रहा है इस घड़ी को देखकर? लेकिन आप ये सारे सवाल मेरे बेटे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं माँ जी, कोई खास घड़ी है ये, खास घड़ी, एक बॉम्ब का डेटोनेटर है। बॉम्ब? जी हाँ, बॉम्ब। इस पर ये जो चाबी है ना, उसके दबाने से बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। क्यों गगन? माँ जी, आपका बेटा गगन गलत लोगों से मिला हुआ है। ये झूठ है माँ, ये घड़ी तो मैं किसी और के लिए खरीदता था। वो एक घड़ी खरीदने पे मुझे 20 हजार रुपए देता था, मगर मुझे नहीं मालूम था वो इन घड़ी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करते हैं। तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था, वो एक घड़ी खरीदने के लिए तुम्हें 20 हजार रुपए क्यों देगा? साहब, साहब मेरा बेटा निर्दोष है, आप इसे माफ कर दीजिए। गगन निर्दोष है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बता ये लोग कैसे मिले तुम्हें? वो लोग मेरी दुकान पे पाव भाजी खाने आए थे साहब, उन लोगों ने कहा क्या मैं काम करना चाहता हूँ, मैंने सोचा इसी बहाने में कुछ पैसे कमा लूंगा। साहब, अभी कहाँ मिलेंगे? पता नहीं साहब, जब इनको जरूरत होती है ये फोन करके खुद ही संपर्क कर लेते हैं मुझसे। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो खुद संपर्क कर लेते हैं, अब तो हम संपर्क करेंगे उनसे, हम संपर्क करेंगे। मालदार पार्टी है बॉस, 5 करोड़ का रोकड़ा लेकर आई है, पर माल उसको अवधि चाहिए। 5 करोड़ का माल? तुमने पता किया वो किस गैंग का है? नहीं बॉस, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बेवकूफ, हमारे इस धंधे में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी इस मालदार पार्टी पे मुझे शक हो रहा है। ए! परन तुम, और अंदर कैसे घुसाए? बॉस, यही तो है वो मालदार पार्टी। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम हम पर शक करते, हमारा तलाशी लेते, तुम हम इधर पे डील करने को आया, तुमको क्या लगता है हम जेब में गन लेके घूमते? तुम सोचता है कि हम जेब में ऐसे हाथ डालेगा और पैसे गन निकालेगा? मोबाइल। नाम क्या है तुम्हारा? डोगा। किस तरह का बॉम्ब चाहिए तुम्हें? मानव बॉम्ब। तुम गलत जगह आए हो। जी नहीं, बिल्कुल सही जगह आया हूं मैं। इस लड़की को मानव बॉम्ब तुम ही ने बनाया ना? कौन है तुम? सीआईडी। फोन डालो इन सबको। फायर।
सरहद से निकल गया सर। कोई बात नहीं, शालीन भाग गया, लेकिन कब तक और कहां तक भागेगा? हाँ साहब, मैं ही हूँ शालीन का खास आदमी, उसका राइट हैंड। दया की गाड़ी में वो बम शालीन ने रखवाया था साहब। लोगों को मानव बम भी वही बनाता है साहब। ये फोटो देखो, क्या जानते हो उस लड़की के बारे में तुम? ये सारा लेक के पास वाले घर में रहती थी साहब, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। सारा लेक के पास वाला घर, जाना पड़ेगा वहां पे। जी कहिए। घर के मालिक से मिलना चाहते हैं, तो उनसे किसी सीआईडी आइए। जी आइए साहब, सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? तुम जाओ। जी कहिए। अब तरन है इस घर के मालिक? जी नहीं, मैं सुकेतु हूँ। तरन जी तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। और ये बाकी के लोग कौन हैं? ये सारे किरायेदार हैं। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और ये तीनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। मतलब पांच लोग, लेकिन हमने तो सुना था कि यहाँ पर छह किरायेदार है। तो छठा किरायेदार कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। सर शायद आपने गलत सुना होगा, सुकेतु जी को मिलाकर हम यहाँ छह लोग ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गलत सुना। क्या नाम है आपका? मोना सर। तो फिर मोना जी ध्यान से सुनिए, सीआईडी कभी गलत नहीं सुनती, समझे आप? छठी किरायेदार ये है, नाम कोयल, कुछ याद आया? ये तो हाँ मर चुकी है ये। मगर कैसे? इसका जवाब तुम लोग दोगे। बताओ कोयल एक मानव बम क्यों बनी? कोयल मानव बम थी? बस बस करो ये नाटक, चुपचाप बताओ क्यों छुपा रहे हो तुम लोग हमसे कोयल के बारे में, बताओ जल्दी। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे, हम बेगुनाह हैं सर। बेगुनाह लोग झूठ नहीं बोलते, समझे? सचिन सबको ब्यूरो ले चलो। रुकिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। सर पांच दिन पहले रात 1:30 बजे ये आवाज कैसी? कोयल, ये क्या किया तुमने? कौन था ये? इसकी तो नसी नहीं चल रही है, ये मर चुका है। हे भगवान, कोयल तुमने खून कर दिया, अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। ये इंसान हमारे घर पे चोरी करने घुसा था और मैंने इसे देख लिया और मुझ पे हमला करने लग गया, और मैंने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस पे गोली चला दी। ऐसे कैसे गोली चला दी तुमने? गन दिखाकर इसे डरा भी तो सकती थी, हमें बुला लेती। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेकिन तुम्हारे पास एक गन कहां से आई? सॉरी सिमरन, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, ये गन हमेशा मेरे पास रहती है। और सच्ची में इस गन का मेरे पास लाइसेंस भी है, सच्ची बोल रही हूँ। अब करना क्या है? करना क्या है? सीआईडी को बुलाते हैं और सब सच सच बता देते हैं। हाँ नहीं नहीं सिमरन, तुम ऐसा मत करो प्लीज। देखो सीआईडी मेरी बात में भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी, वो लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। कोयल ठीक कह रही है, सीआईडी तो क्या सुकेतु और बाकी के लोगों को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होगा और बेवजह इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और वैसे भी ये आदमी कोई नेक इंसान तो था नहीं, चोर उचक्का ही था। एक काम करते हैं, इस लाश और इस राज को किसी ऐसी जगह दफना देते हैं जहां से इसे फिर कोई ढूंढ ना पाए। एक खून पर पर्दा डाला तुम दोनों ने, लगता है चोर यहीं से है। सर क्या निकल? सर इस दरवाजे के इस साइड का कांच जानबूझ के तोड़ा गया है सर, ये देखिए। क्यों? दरवाजे का कांच टूटा हुआ है और दरवाजे के वहां खून पड़ा है। भूल गए साफ करने के लिए? बाकी जैसे सब कुछ साफ किया है, क्यों? चुपचाप बताओ कहां पे छुपा के रखी है उस चोर की लाश, बताओ जल्दी। सर पास की जमीन में ही गाड़ के रखी है।
बताएं तुम लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया, क्या सजा होगी तुम लोगों को। चलो दिखाओ हमें कहां पे गाड़ी है लाश। सरुण के क्या चलाया तूने यार, कब से हम पूछ रहे कि क्या पता चला क्या पता चला। यार तू बताने को तैयार ही नहीं है कि कुछ पता चला क्या नहीं। हम तो दया की तबीयत को लेकर परेशान है और फिर तू इस तरह से बर्ताव कर रहा है। अरे यार दया की चिंता मुझे भी है, इसीलिए इस केस में मैं हर एविडेंस की इतनी बारीकी से जांच करना चाहता हूँ ताकि मुझसे कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। और तुम्हें बता ना, कोयल ने जो इस चोर को मारा उसकी लाश से तुझे क्या पता चला है? बता। पता ये चला है बॉस, इस चोर को कोयल ने नहीं मारा। क्या? लेकिन कोयल के दोस्तों ने तो बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस चोर को गोली मारी थी। नहीं रजत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस चोर पे जो गोली चली है वो कोयल की गन से नहीं चली। तो क्या फिर इस चोर ने अपनी ही गन से अपने आप को मार लिया? नहीं सचिन, गोली चोर की इस गन से भी नहीं चली। गोली इस चोर की गन से भी नहीं चली, गोली कोयल की गन से भी नहीं चली। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी तीसरी गन से गोली चली, मतलब उस वक्त कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर? हाँ बॉस बिल्कुल, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी जरूर था। दरवाजे के पास जो सूखा हुआ खून आप लोगों को मिला है वो ना तो इस चोर का है और ना ही कोयल का है। कौन है ये तीसरा आदमी? आप लोग सीआईडी से हैं ना? और आप मिस्टर तरण हैं, इस घर के मालिक। जी, देखा मैंने कहा था ना। आपकी फ्लाइट कैसे रही, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, फ्लाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई, पर यहाँ आकर जो कुछ भी सुना उसे सुनकर तकलीफ बहुत हुई। सुकेतु को किराया रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सर मैं तो ये सोच चुका हूँ कि अब इस घर में कभी कोई किरायेदार रखूंगा ही नहीं, और ये लोग भी आज ही इस घर को खाली कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब तो इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, और आप सबको हमारे साथ फोरेंसिक लैब आना पड़ेगा खून देने के लिए। खून देना होगा, लेकिन हमारा खून लेने से क्या होगा? आपके खून से पता चलेगा कि उस दरवाजे के वहां जो हमें खून मिला है वो किसका है, क्योंकि वो खून ना तो कोयल का है और ना उस चोर का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, वो खून किसी और आदमी का है, इस केस में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है। मतलब कोयल ने सिमरन और मोना को झूठी कहानी सुनाई थी? कोयल ने झूठ कहा या फिर सिमरन या मोना ने, ये तो पता चल ही जाएगा डीएनए टेस्ट के बाद, तब तक हम देखते ही वो खून किसका है। देखो अच्छी तरह से देखो, कुछ न कुछ तो हमारी नजरों से छूटा है पिछली बार, इस बार मिलना चाहिए कोई न कोई सुराग। सर सही देखिए, पर्दा अटकाने का होगा, वहां पड़ा हुआ था। हाँ खून भी लगाया इस बार, ये देखो ये हुक यहां पर था, हो सकता है ये तीसरा आदमी गुनाह करके यहां से भाग रहा होगा तो इस हुक से टकराया और उसका खून नीचे गिर गया। सर हाँ, ये देखिए सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी किसकी है ये सोने की अंगूठी? सर हम तो अंगूठी पहली बार देख रहे, ये हम में से किसी की भी नहीं है। सर यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है, सच क्या है कोई बताना ही नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो जौहरी बताएगा जिसने ये अंगूठी बनाई है, पर जौहरी का नाम है वीजे विराज ज्वेलर्स। सर ये है वो टिक्कू जिसकी वो अंगूठी है। निखिल पकड़ो उसे जल्दी, भागो।
सर, बस बैठ लीजिए सर। चलो जल्दी निकलो। सर किस बस में है वो? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। सीआईडी वाले मुझ तक पहुंच चुके हैं। देखो कहां पर है वो? रोड़ा टिको वो सामने सो रहा है। Hey, उठ। सांसें तो बंद है इसकी, होंठ भी नीले पड़े हैं। कहीं से किसी ने जहर तो नहीं दिया? ये देखो, सुई चुभोई है किसी ने, लगता है जहर उसी से दिया गया है। इसके पास जो पार्सल था बॉक्स वाला, वो ढूंढो। देखो उस पार्सल को ढूंढो। सर पार्सल तो कहीं नहीं, लगता है वही आदमी लेके फरार हो गया। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, इस आदमी की मौत हुई है, शायद इसका खून हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि इसके इस बगल वाली सीट पर कौन बैठा था। कोई बता सकता है, कोई जानता है? वो तो सर इस बस स्टॉप में उतर गया। आदमी यहीं पर उतर गया स्टॉप पर? कहाँ गायब हो गया सर? वही तो, गायब कहाँ हो गया ये अचानक? और फिर ऐसी क्या कीमती चीज है उस लकड़ी के बॉक्स में जिसकी वजह से एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं? श्रेया तुम घर जाओ, मैं दयासर के पास रुकती हूँ। नहीं पूर्वी, मैं यहीं रहूंगी। श्रेया, एसीपी सर का ऑर्डर है, तुम जाओ। और तुमने कुछ खाया? हाँ मैंने खा लिया। श्रेया क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। पानी पियो। मैं पानी नहीं पी सकती। नहीं पी सकती मतलब? सॉरी पूर्वी, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैंने खाना खा लिया। मेरा व्रत है। व्रत? दया सर जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए? सिर्फ दया सर के लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए। पूरी टीम के लिए? अगर एसीपी सर को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। पूर्वी प्लीज, एसीपी सर से कुछ मत कहना। तुम बाहर आओ। चलो पूर्वी, चलो। श्रेया, ये लड़की इस सिया मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? कैसे कहूं? ये यहां कैसे?
बम ब्लास्ट मैं यहां नहीं रह सकता। श्रेया For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.